आज ये छवि पूरे गोकुल में प्रसिद्ध हो गई शंकर भगवान के साधु के रूप में। बाबा चले गए, एक दिन बीच में बीता, छठवा दिन आया, यशोदा मैया ने घोषणा करवाई गांव में, कल लाला की छठी का पूजन है, सब गोपी कन्हैया को निलाने आना कल, और कल उनके काजल पड़ेगा आंख में, माथे पर तिलक लगेगा, उसकी बाजुओं में बाजू बंद बंधेंगे, कल कन्हैया वस्त्र धारण करेंगे। पूरे गांव में न्योता दिया, सारे गांव की गोपियां नहा के धोकर लाल वस्त्र पहन करके लाल श्रृंगार करके भगवान को स्नान कराने जा रही है, नहाने नहलाने जा रही है। ये कथा सुन के आपको कुछ पिछली बातें याद आई होंगी। क्या बात, पिछले समय में बच्चों को नहलाने के लिए अपने न्योते दिए जाते थे नाई के द्वारा कि हमारे बच्चे का पहला स्नान है, पंडित जी को पूछ के आओ कब नहाना है। अगर नहाने के लिए भी पंडित को पूछना है तो इससे मतलब ये है कि परमात्मा ने मनुष्य के लिए नहाने धोने खाने सोने जगने के सबके विधान लिखे, सबके नियम लिखे, सबके मंत्र लिखे। अरे नहाने के लिए क्या जरूरत है पंडित की, जरूरत है जो मंत्र हमारे पास नहीं वो आचार्य के पास हो सकते हैं, उस पंडित के पास हो सकते हैं, किसी ज्ञानी के पास हो सकते हैं, किसी वेद के जाता के पास हो सकते हैं, उससे सहायता लो सलाह लो, या किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लो बच्चे को कब नहाना चाहिए। आवश्यक है पहले बच्चों को पैरालाइज बहुत होता था, पोलियो पहले, क्यों गलती से हो जाता था, मां के पेट की जो गर्मी है वो बाहर मिलती नहीं, अचानक बच्चे को अचानक बाहर आके ठंड हवा कुछ लग गई पोलियो हो जाता था। इसलिए पुराने समय में आपने देखा होगा जिसके बच्चा होता था तो उसको अंदर वाले कमरे में रखते थे, अंदर वाले में, सबसे अंदर वाले में, 8-10 दिन तक तो बच्चे को, बच्चे की माँ को उस कमरे से बाहर नहीं आने देते थे, और पर्दे डाल के रखते थे चारों तरफ से, नीम के पत्ते बांध के रखते थे, क्यों, बस उसी लिए मौसम अनुकूल आए बच्चे के, जननी के, जिसने जो बच्चा दिया है उसके, और जब वो वायु को प्रकृति को सहले तब उसे कहीं भी ले जा। आदमी पूरा जवान हो जाता है उसके बाद भी प्रकृति के मारे मरता मरता फिरता है। आप राज्य बदलिए, 70% लोगों को राज्य बदल जाने से जुखाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, वायरस आ जाता है, फीवर हो जाता है। आप कभी महाराष्ट्र से हरिद्वार जाइए नहाने धोने, देखना कुछ न कुछ रोग लेके आएंगे आप, क्योंकि आपका मौसम अलग वहां का मौसम अलग। तो इतना शरीर बड़ा हो गया उसके बाद भी मौसम की मार से मर रहा है, बच्चा तो एक ही मौसम में 9 महीने रहा, बाहर आया, उसे ये सारी प्रकृति आती है तो उसको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। अब ऐसा नहीं होता, अब हॉस्पिटल में मेंटेन किया जाता है मौसम, फिर बच्चे की डिलीवरी होती है और उसको उसी तरह बनाया जाता है कि उसे बाहर का प्रकृति का नुकसान ना हो। इसलिए शास्त्र कहता है, आयुर्वेद कहता है कि बच्चे को जब भी स्नान कराना हो, पहला स्नान कराने में गौमूत्र का जरूर सहारा लो, पानी में गौमूत्र गाय का दूध डालकर स्नान बच्चे को कराया जाए तो सभी प्रकार की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है और सब प्रकार की एलर्जी को रोक देता है। अब इस पर कोई टीका टिप्पणी भी कर सकते हैं, जिनको टीका टिप्पणी करनी है वो साइंस के पास जाओ, साइंस तो मानती है मूत्र को, गाय के मूत्र को साइंस मानती है, और सुनिए आपके भी मूत्र को मानती है साइंस। आपका ज्यादा शुगर बढ़ जाए तो डॉक्टर कहते नहीं यूरिन भी लाओ, आपका पीलिया बढ़ जाए तो डॉक्टर कहते मल लेके आओ, लेट्रिन लेके आओ, उसको चेक करूंगा। तो आप कल्पना कर लो, आपके मूत्र से भी आपकी बॉडी बता सकती है कि मैं क्या कर रही हूं, तो गाय के मूत्र में क्या कम होगा क्या नहीं, वो तो हमारे पास बहुत कुछ है समझाने के लिए। आप
बहुत सारे मजहब ऐसे हैं जो गायक और गाय के मूत्र को मान्यता नहीं देते। मत दीजिए, पर औषधि के रूप में, दवा के रूप में जरूरत के हिसाब से कुछ भी लेना पड़ता है। तो गाय तो पूरा भंडार है, संजीवनी बूटी है। लाला को निलाने की तैयारी चल रही है और कंस ने आज पूरे ब्रज के बच्चों को रात में मरवा दिया, सबको जमुना जी में फेंकवा दिया। 14 दिन के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया कंस ने सबको मरवाया। गोकुल भी आए थे मारने वाले राक्षस, पर गोकुल में मार नहीं पाए बच्चों को। कारण, गोकुल से खदेड़ दिया राक्षसों को। किसने? नंदियों ने। हजारों की संख्या में नंदी थे गोकुल के क्षेत्र में। जैसे ही दुर्जन आए, नंदियों ने भगोड़ा बना दिया। और ये बिल्कुल परफेक्ट बात है महाराज, दरवाजे पर अगर नंदी है, बैल है, तो काल जल्दी घर में नहीं खटकता। दरवाजे पर बैल बंधे हैं तो नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं मरते जल्दी। दरवाजे पर बैल है, गाय है, तो गर्भपात नहीं होते ज्यादा। ये कोई जादू टोना नहीं बता रहा हूं, ये मैं केवल आपको साइंस से जोड़कर बता रहा हूं। गाय के और बैल के अंदर निकलने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो उनके अंदर जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं हवा में, वायुमंडल में, आभा मंडल में, और जो वहां का माहौल बनता है, उस माहौल से गर्भवती को पावर मिलती है, ताकत मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है, और उससे उसका सब कुछ मजबूत होता है। बल, बल देने वाला बैल होता है। बैल की तो पूजा होती है महाराष्ट्र में पोला के दिन, गाय की तो रोज ही पूजा होती है, वर्ष में एक बार बैल की भी पूजा होती है। अच्छा बताओ, जिस जो कोई किसी काम का ही नहीं तो पूजा किस लिए करते हैं बताओ? फिर पिता की पूजा नहीं हो रही, माँ की पूजा नहीं हो रही, दादी की पूजा नहीं हो रही, दादा की पूजा नहीं हो रही, पर गाय की पूजा, बैल की पूजा हो रही है ना तुम्हारी संस्कृति में, तो कुछ तो है महत्वपूर्ण चीज। यही है महत्वपूर्ण।